वर्ण संकर जातियों का प्रादुर्भाव, गृहस्थ धर्म, वर्ण धर्म तथा 37 प्रकार के अनध्याय। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब मैं संकर जातियों की उत्पत्ति एवं गृहस्थादि के शेष धर्मों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण पुरुष से विवाहिता क्षत्रिय कन्या में मूर्धावसिक्त, विवाहिता वैश्य कन्या में अम्बष्ट और विवाहिता शूद्रा में पार्श्व निषाद नामक संकर का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या में महिष्य तथा शूद्रा में मलेच्छ की उत्पत्ति होती है। वैश्य पुरुष से शूद्रवर्णा स्त्री में करण नामक संकर जाति की संतान का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्त्री में सूत, वैश्य पुरुष से ब्राह्मणी में वैदेहक तथा शूद्र पुरुष से ब्राह्मणी में सर्ववर्ण निंदनी चांडाल की उत्पत्ति होती है। क्षत्रिय स्त्री में वैश्य से मागध और शूद्र से क्षत्ता नामक संकर संतान का जन्म होता है। इसी प्रकार वैश्य स्त्री शूद्र पुरुष के संसर्ग से आयोगव नामक वर्ण संकर पुत्र को जन्म देती है। क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या में उत्पन्न हुए महिष्य संकर के द्वारा करणी स्त्री के साथ संसर्ग होने पर रथकार का जन्म होता है। जो उच्च वर्णीय पुरुष से निम्न वर्णा स्त्री में संतान उत्पन्न होती है वो अप्रतिलोमज अथवा अनुलोमज संतान है, और जो निम्न वर्गीय पुरुष से उच्च वर्णा स्त्री में संतान जन्म ग्रहण करती है वो प्रतिलोमज संतान है। प्रतिलोमज असत हैं और अनुलोमज सत हैं। जाति का उत्कर्ष 7वें, 5वें अथवा 6ठे जन्म में होता है। यहाँ जाति शब्द से अभिवर्णित मूर्धावसिक्त आदि जातियां ली गई हैं। प्रकृत में संक्षेप से ये समझना चाहिए, ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न संतान निषाद कही जाती है। ये संतान यदि कन्या है तो इसे निषादी कहा जाता है। इसका यदि ब्राह्मण से विवाह हो और उससे उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से विवाह हो, आगे उससे भी उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से विवाह हो, इसी क्रम से उत्पन्न छठी कन्या से विवाहित ब्राह्मण के द्वारा उत्पादित 7वीं संतान शुद्ध ब्राह्मण वर्ण की होगी। ऐसा ही ब्राह्मण से वैश्य जाति कन्या में उत्पन्न अम्बष्ट जाति की 5वीं कन्या की 6ठी संतान शुद्ध ब्राह्मण होगी। मूर्धावसिक्ता कन्या की इसी क्रम से उत्पन्न 4थी कन्या की 5वीं संतान शुद्ध ब्राह्मण ही होगी। ठीक यही स्थिति उग्रा और महिष्या की है। ये दोनों उग्र एवं महिष्य जाति की कन्याएं यदि क्षत्रिय से ही विवाहित होती गई तो इनकी 6ठी और 5वीं संतति शुद्ध क्षत्रिय ही होगी। ऐसे ही करण जाति की कन्या और वैश्य वर्ण के पुरुष से विवाहित होकर यथाक्रम 5वीं संतान को शुद्ध वैश्य रूप में ही उत्पन्न करेगी। इसके अतिरिक्त ये भी जानने योग्य है कि कर्म का व्यत्यय होने से भी जिस वर्ण का कर्म किया जा रहा है वही वर्ण 7वें, 6ठे तथा 5वें जन्म की संतान का हो जाता है। स्पष्ट रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को अपनी मुख्य वृत्ति याजन तथा अध्यापन आदि से जीविका चलानी चाहिए। आपत्काल में अपनी मुख्य वृत्ति से जीविका न चलने पर क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति या शूद्र वृत्ति से भी ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है। यही क्षत्रिय एवं वैश्य के बारे में भी व्यवस्था है। जब कोई वर्ण अपनी मुख्य वृत्ति का परित्याग कर अन्य द्वितीय तृतीय वर्ण की वृत्ति स्वीकार करता है तो यह हीन वर्ण की वृत्ति मानी जाती है, और ये हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार करना ही कर्म व्यत्यय है। इसी प्रकार के कर्म व्यत्यय होने पर आपत्ति काल के अभाव में भी यदि कोई हीन वर्ण की वृत्ति का परित्याग नहीं करता है तो उसकी 7वीं, 6ठी, 5वीं कुल परंपरा में उत्पन्न संतति उस हीन वर्ण की ही होगी जिस हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार कर जीविका निर्वाह किया जा रहा है। दृष्टांत के रूप में यह कहा जा सकता है, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र वृत्ति से भी जीविका चला रहा है और उसका परित्याग बिना किए पुत्र उत्पन्न कर रहा है तथा ये पुत्र भी शूद्र वृत्ति से अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है एवं ये तीसरा पुत्र भी शूद्र वृत्ति में रहकर ही अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है तो ऐसी परंपरा में 7वें जन्म में शूद्र ही उत्पन्न होगा। वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह की दशा में 6ठे जन्म में वैश्य ही उत्पन्न होगा।
क्षत्रिय वृत्ति से जीविका निर्वाह की स्थिति में पांचवें जन्म में क्षत्रिय ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय भी शूद्र वृत्ति से जीविका निर्वाह करने पर छठे वंश में शूद्र वर्ण की एवं वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह करने पर पांचवें वंश में वैश्य वर्ण की संतान उत्पन्न करेगा। ऐसे ही वैश्य भी शूद्र वृत्ति से जीविका निर्वाह करते हुए अपने पुत्र परंपरा के पांचवें जन्म में शूद्र को ही उत्पन्न करेगा। इसी प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है, तीन प्रकार की जातियां हैं, संकर जाति, संकीर्ण संकर जाति तथा वर्ण संकीर्ण संकर जाति। संकर जाति के मूर्धावसिक्त, अम्बष्ट आदि छह भेद ऊपर बताए गए हैं, इन्हें अनुलोमज कहा जाता है। ऐसे ही सूत, वैदेहक आदि भी छह संकर जाति के भेद पहले ही कहे जा चुके हैं, ये प्रतिलोमज हैं। संकीर्ण संकर जाति के जो लोग होते हैं उनका निर्देश पहले रथकार की उत्पत्ति बताकर किया गया है। अब वर्ण संकीर्ण संकर जाति के लोगों को इस प्रकार समझना चाहिए, मूर्धावसिकता स्त्री में क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र से जो उत्पादित हैं, ऐसे ही अम्बष्ट जाति की स्त्री में वैश्य अथवा शूद्र के द्वारा जो उत्पादित है, और पार्श्व निषाद जाति की स्त्री में शूद्र के द्वारा जो उत्पादित है, वे वर्ण संकीर्ण संकर जाति के होते हैं, इन्हें अधर प्रतिलोमज कहते हैं। इसी प्रकार मूर्धावसिक्त, आम्बष्ट एवं पार्श्व निषाद जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पादित हैं, महिष्य एवं उग्र जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से जो उत्पादित हैं, और करण जाति की स्त्री में ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य से जो उत्पादित हैं, उन्हें उत्तर अनुलोमज कहते हैं। उनमें अधर प्रतिलोमज असत तथा उत्तर प्रतिलोमज सत माने जाते हैं। गृहस्थाश्रमी को प्रतिदिन विवाहाग्नि में अथवा संपत्ति विभाग के समय स्वयं लाई गई संस्कृत अग्नि में स्मार्त कर्म, वैश्वदेव आदि संपन्न करना चाहिए। श्रौत कर्मानुष्ठान, अग्निहोत्र आदि वैतानाग्रि में करना चाहिए। शरीर चिंता को शास्त्रीय विधि से संपन्न कर गंध लेप निवृत्ति पर्यंत शुद्धि प्राप्त कर दंत धावन एवं स्नान कर द्विज को प्रातःकाल संध्योपासन करना चाहिए तथा अनंतर अग्नि में हवन करके समाहित चित्त से सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थाश्रमी वेदार्थ तथा अन्य विविध प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करे। योग क्षेम आदि के सिद्धि के लिए उसको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वो स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा पूजन करे। तदनंतर उसको वेद, पुराण तथा इतिहास का यथाशक्ति अध्ययन एवं आध्यात्मिकी विद्या का जप करना चाहिए। तत्पश्चात भूत, पितर, देव, ब्रह्म और मनुष्य जाति के लिए गृहस्थ बलिकर्म, स्वधा, होम, स्वाध्याय तथा अतिथि सत्कार करें। देवताओं के लिए अग्नि में हवन करना चाहिए। भूत बलि, श्वान, चांडाल एवं काक आदि के लिए पका हुआ अन्न भूमि पर दें। पितृगण एवं मनुष्यों को अन्न के सहित जल भी प्रतिदिन प्रदान करना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करें, केवल अपने लिए अन्नपाक न करें। स्ववासिनी, वृद्ध, गर्भिणी, व्याधि पीड़ित, कन्या, अतिथि तथा भृत्यों को भोजन प्रदान कर गृहस्वामिनी और उसका पति शेष बचे हुए अन्न का भोजन करें। अग्नि में पंज प्राणाहुति देकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन के आदि और अंत में आपोशान विधि से आचमन करें तथा सम्यक प्रकार से पका हुआ हितकारी स्वल्प भोजन बालकों के साथ करना चाहिए। पात्रादि से आच्छादित अमृत तुल्य भोजन द्विज को कराना चाहिए। यथाशक्ति अतिथि एवं अन्य वर्णों को क्रमशः भोजन देना चाहिए। सायंकाल भी आए हुए अतिथि को लौटाना नहीं चाहिए, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सुव्रत भिक्षु को सत्कार पूर्वक भिक्षा प्रदान करनी चाहिए। द्वार पर पधारे सभी को भोजन कराना चाहिए। प्रतिवर्ष स्नातक, आचार्य एवं राजा की पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही मित्र, जामाता एवं ऋतिक प्रतिवर्ष पूजनीय है। पथिक को अतिथि तथा वेद पारंगत को क्षोत्री कहा जाता है।
ब्रह्मलोक की कामना करने वाले गृहस्थ जनों के लिए ये दोनों मान्य हैं। ससम्मान आमंत्रण के बिना ब्राह्मण को दूसरे के यहाँ बने हुए पकवान को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को वाणी, हाथ, पैर की चंचलता एवं अति भोजन करने से बचना चाहिए। संतुष्ट श्रोत्रिय तथा अतिथि को विदा करते समय ग्राम की सीमा तक उनका अनुगमन करना चाहिए। गृहस्थ अपने इष्ट मित्र एवं बंधुओं के साथ दिन का शेष भाग व्यतीत करें। तदनंतर सायंकालीन संध्योपासना करके वो पुनः अग्निहोत्र कर भोजन ग्रहण करें। इसके बाद उसको अपने सुबुद्ध भृत्यों के साथ बैठकर अपने हित का विचार करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्म मुहूर्त में निद्रा का परित्याग कर वो धनादि से ब्राह्मण को संतुष्ट करे तथा वृद्ध, दुखी एवं भार ढोने वाले पथिकों को भली भांति मार्ग दिखाकर प्रसन्न करे। यज्ञानुष्ठान, अध्ययन और दान वैश्य तथा क्षत्रिय का कर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के लिए याजन, अध्यापन तथा प्रतिग्रह, ये तीन कर्म अधिक बताए गए हैं। क्षत्रिय का प्रधान कर्म प्रजापालन है। वैश्य वर्ण के लिए कुसीद, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन मुख्य कर्म कहा गया है। शूद्र वर्ण का प्रधान कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करना है। द्विजों को यज्ञादि कर्तव्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय संयम, दम, क्षमा, सरलता और दान सभी के लिए धर्म के साधन हैं। अपने वर्ण धर्मानुसार जीविका का आश्रयण कर कुटिल और दुष्ट वृत्ति का परित्याग करना चाहिए। जो मनुष्य 3 वर्ष से अधिक काल तक के लिए अन्न का भंडारण करता है वो सोमरस पान करने की योग्यता रखता है। जिसके पास मात्र 1 वर्ष भर के लिए ही अन्न रहता है उसे मुख्यतः सोमयाग की प्राक्रिया करनी चाहिए। द्विज को प्रतिवर्ष सोमयाग, पशुयाग, आग्रायणिष्टि तथा चातुर्मास्य याग यत्नपूर्वक करना चाहिए। यदि इन यागों को करना प्रतिवर्ष संभव न हो तो इन यागों के काल में वैश्वानरी इष्टि ही कर लेना चाहिए। मुख्य कल्प के संपादन में असमर्थ के लिए जो द्वितीय कल्प विहित है वो हीन कल्प है। सोमयाग, आग्रायणिष्टि आदि मुख्य कल्प है, वैश्वानरी इष्ट हीन कल्प है। यदि मुख्य कल्प के संपादन योग्य द्रव्य है तो हीन कल्प का संपादन नहीं करना चाहिए। जितने भी फलप्रद अनुष्ठान हैं, फल की कामना रहने पर उन्हीं का संपादन करना होगा। उनको न कर हीन कल्प का संपादन करने पर फल नहीं प्राप्त हो सकता। ब्राह्मण को अपनी आजीविका के लिए उस अप्रतिष्ठित अर्थ की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो स्वाध्याय विरोधी हो। ऐसे जिस किसी भी व्यक्ति से अर्थ पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसका आचरण संदिग्ध हो। वृद्ध वृत्ति से भी अर्थ अर्जन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही नृत्य, गीत आदि से भी अर्थ अर्जन नहीं करना चाहिए। जो द्विज यज्ञ के लिए शूद्र से धन की याचना करता है वो मृत्यु के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेता है। यज्ञ के लिए लाए हुए अन्न को जो संपूर्ण रूप से यज्ञ में नहीं लगाता वो कुक्कुर, गृध्र अथवा काक योनि में ही जन्म ग्रहण करता है। ब्राह्मण को एक कुसूल भर, एक मटका भर 3 दिन तक के लिए या 1 दिन तक के लिए अन्न संग्रह करना चाहिए अथवा वो शिलोच्छ वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करे। इन वृत्तियों में उत्तरोत्तर वृत्ति श्रेष्ठ है। यदि वो भूख से पीड़ित है तो उसको राजा, अपने छात्र या यज्ञ करने वाले यज्ञ मान से ही अन्न धन की याचना करनी चाहिए और दंभिक, हैतुक, पाखंडिक एवं वक्रवृत्ति वाले का सभी लौकिक शास्त्रीय कर्म में सर्वथा परित्याग करना चाहिए। वो स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें, सिर, दाढ़ी आदि के केश एवं नखों को यथाविधान कटवाए रहे। भार्या के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र धारण कर तथा खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण को विनीत होना चाहिए। दंड और कमंडल धारण करना चाहिए। देव आदि को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। वो नदी, वृक्षच्छाया, भस्म, गोष्ठ, जल तथा मार्ग के मध्य में मूत्र का परित्याग न करे। अग्नि, सूर्य,
गौ, चंद्र, संध्या, जल, स्त्री और द्विजों के सम्मुख भी मूत्र का त्याग करना वर्जित है। वो अग्नि एवं उदय तथा अस्त हो रहे सूर्य का दर्शन भी ना करे। इसके लिए नग्न तथा मैथुनासक्त स्त्री मूत्र और विष्ठा का दर्शन भी त्याज्य है। पश्चिम सिर करके नहीं सोना चाहिए। थूक, रक्त, विष्ठा, मूत्र और विष को जल में छोड़ना अनुचित है। आग पर पैरों को सेकना तथा उसे लांघना निषिद्ध है। अंजलि द्वारा जल नहीं पीना चाहिए और निद्रा निमग्न व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। धूर्त वंचक का साथ नहीं करना चाहिए। रोगी जनों के साथ शयन नहीं करना चाहिए। धर्म विरुद्ध कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। चित्ताग्रिका धुआं तथा नदी में तैरना वर्जित है। केश पर, भस्म पर, भूसी पर, प्रज्वलित अग्नि के अंगारे पर और कपाल पर स्थित नहीं होना चाहिए। किसी से बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को बताना नहीं चाहिए और किसी के घर में द्वार के अतिरिक्त अन्य गवाक्षादि मार्गों से प्रवेश नहीं करना चाहिए। लोभी तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले राजा से प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। वेद तथा धर्म शास्त्रादि का अध्ययन करने वालों का उपाकर्म, संस्कार श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावणी पूर्णिमा को होना चाहिए। संस्कार विहित औषधियों सामग्रियों के उपलब्ध रहने पर ये कार्य श्रावण मास की हस्त नक्षत्र से युक्त पंचमी तिथि में भी संपन्न हो सकता है। पौष मास के रोहिणी नक्षत्र में अथवा अष्टका के दिन ग्राम के बाहर जलाशय के पास वेदों का उत्सर्ग कर्म गृह सूत्र के अनुसार करना चाहिए। शिष्य, ऋत्विक, गुरु तथा बंधु बांधवों की मृत्यु होने पर 3 दिन का अनध्याय उपाकर्म तथा उत्सर्ग कर्म करने पर होता है। ऐसे ही अपनी शाखा के क्षोत्रिय ब्राह्मण की मृत्यु होने पर 3 दिन का अनध्याय होता है। संध्या के समय मेघ गर्जन होने पर, आकाश में उत्पात की ध्वनि उत्पन्न होने पर, भूकंप होने पर तथा उल्कापात होने पर अनध्याय रखना चाहिए। वेद और आरण्य का अध्ययन पूर्ण होने पर 1 दिन एवं 1 रात्रि का अनध्याय होता है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र, सूर्य ग्रहण, ऋतु संधि की प्रतिपद में तथा श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध का प्रतिग्रह लेने पर 1 दिन और 1 रात्रि का अनध्याय काल माना जाना चाहिए। पशु, मेंढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिड़ाल और सुअर के बीच में आने पर तथा शक्र ध्वज के अवरोपण का दिन आने पर एवं उत्सव का दिन होने पर भी 1 ही दिन का अनाध्याय काल होता है। कुत्ता, सियार, गर्दब, उलूक, सामवेद तथा बच्चों के कोलाहल और पीड़ित जनों की दुख भरी ध्वनि होने पर अपवित्र वस्तु, शव, शूद्र, अंत्यज, श्मशान और पतित व्यक्ति का समीप्य होने पर तत्काल अनध्याय होता है। अपवित्र देश में, अपवित्रावस्था में बार बार बिजली चमकने पर, 2 प्रहर तक बार बार मेघ गर्जन होने पर, भोजन करने के बाद हाथ गीला रहने पर, जल के मध्य में, अर्धरात्रि में तथा मध्य के 2 प्रहर में और आंधी तूफान के बीच भी उतने काल तक अध्ययन नहीं होना चाहिए। दिग्दाह होने पर, उत्पाद जैसी धूलि की वर्षा होने पर, संध्याकालीन कोहरा होने पर अथवा चोर, राजा आदि के कारण होने वाले उपद्रवों के समय में तत्काल अनध्याय होता है। स्वयं दौड़ते हुए अपवित्र मदिरा आदि का गंध आने पर तथा शिष्ट व्यक्ति के घर आ जाने पर अध्ययन करना वर्जित है। गधा, ऊंट, वाहन, हाथी, घोड़ा, नौका, वृक्ष और पर्वतारोहण का काल अनाध्याय का ही काल होता है। उपर्युक्त 37 अनध्यायों को तात्कालिक अनध्याय माना गया है, अर्थात ये निमित्त जिस समय हो उस समय अनध्याय समझना चाहिए। देवता की मूर्ति, ऋत्विक, स्नातक, आचार्य एवं राजा की छाया, परस्त्री की छाया, रक्त, विष्ठा, मूत्र, थूक और उपटन की सामग्री का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बहुश्रुत ब्राह्मण, सर्प, क्षत्रिय, इनकी अवमानना कदापि न करें। ऐसे ही अपनी भी अवमानना न करें। उच्चिष्ट, विष्ठा, मूत्र और चरण प्रक्षालित जल दूर से ही त्यागने योग्य है। श्रुति और स्मृति में कहे गए सदाचार का पालन करना चाहिए। किसी के गोपनीय रहस्य को प्रकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए।
किसी की निंदा या ताड़ना नहीं करनी चाहिए, किंतु पुत्र अथवा शिष्य को दंड देना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए। धर्म विरुद्ध आचरण उसके लिए त्याज्य है। गृहस्थ व्यक्ति को माता पिता, अतिथि और धनी पुरुष के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। दूसरे के सरोवर में से 5 पिंड मिट्टी बिना निकाले उससे स्नान नहीं करना चाहिए। नदी, झरना, देव सरोवर और पोखर तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे की शैया पर शयन नहीं करना चाहिए। अनापत्ति काल में परान्न भोजन नहीं करना चाहिए। कृपण, बंदी, चोर, अग्निहोत्र न करने वाला ब्राह्मण, बांस का काम करने वाले, न्यायालय में जिनका दोष सिद्ध हो चुका है, सूदखोर, वैश्या, सामूहिक दीक्षा लेने वाला, चिकित्सक, रोगी, क्रोधी, नपुंसक, रंगमंच से जीविका चलाने वाला, उग्र, निर्दय, पतित, व्रात्य, दंभी, उच्चिष्ट भोजी, शस्त्र विक्रेता, स्त्री के वश में रहने वाला, ग्राम्य याजक, निर्दयी राजा, धोबी, कृतघ्न, कसाई, चुगलखोर, झूठ बोलने वाला, सोम विक्रेता, नदी तथा स्वर्णकार, इनका अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए। बाल तथा कृमि आदि से युक्त भोजन एवं मांस नहीं खाना चाहिए। बासी, उच्छिष्ट, शुक्त, कुत्ते द्वारा स्पुष्ट, पतित द्वारा देखा हुआ, रजस्वला से स्पृष्ट, संघुष्ट तथा पर्यायन भोजन त्याज्य है। गाय से सूंघा गया, पक्षियों के द्वारा उच्छिष्ट और जानकर पैर से छुआ गया अन्न भी त्यागने योग्य होता है। यद्यपि शूद्र का अन्न नहीं लेना चाहिए, तथापि जो शूद्र परंपरा से ही अपने यहाँ सेवक है, गोपालन करने वाला है, कुल परंपरा से ही जो मित्र के समान व्यवहार करने वाला है, परंपरा से अपने यहाँ हलवाहे का काम करने वाला है, कुल परंपरा से जो निर्धारित नाई है, इनके अतिरिक्त वो शूद्र जिसने मन, वाणी, शरीर एवं कर्म से सर्वथा अपने को समर्पित रखा है, ऐसे शूद्रों का अन्न स्वीकार किया जा सकता है। घी आदि स्निग्ध पदार्थों से युक्त अन्न यदि बासी है या बहुत काल से रखा हुआ है तो भी ग्रहण करने योग्य होता है, किंतु घृत या तेल आदि से सम्मिश्रित न होने पर भी गेहूं, जौ और गोरस से तैयार किए गए पदार्थ यदि बहुत देर तक रखे जाते हैं तब भी ग्रहण किए जा सकते हैं, यदि विकृत न हुए हों। देव और अतिथि को बिना समर्पित किया हुआ तिल, तंडुल मिश्रित पदार्थ, यवागु, खीर, पुआ तथा पूड़ी का भोजन व्यर्थ हो जाता है। पलांडू और लहसुन आदि उग्र पदार्थों का सेवन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। जो पुरुष पशु हत्या करता है वो पशु के रोम परिमित काल तक घोर यातनाओं को सहन करते हुए नरक में वास करता है। अभोज्य पदार्थों का परित्याग करके अपनी सद्गति की भावना से प्रभु से क्षमा याचना और प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है।